नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका बुभौ ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन वेद है। वेद त्रिकांडमय है। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड से तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। अपने अपने वर्णाश्रम पद अधिकार के अनुसार निष्काम भाव से भगवान के पाने के लिए ही कर्म किए जाए सो निष्काम काम कर्म कहलाते हैं। निष्काम कर्म से इस जन्म के और पिछले अनंत जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका मन निर्मल हो जाता है। फिर आगे भक्ति कांड का अधिकार होता है। भक्ति कांड से मन की चंचलता दूर हो जाती है। मन निश्चल हो जाता है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम् एकाग्र्यर्थम् उपासना। फिर आगे ज्ञान कांड आता है। ये वेद का अंतिम कांड है, इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। इसमें प्रायः उपनिषदें आती हैं। उपनिषदें ज्ञान कांड है। सो शुक्ल यजुर्वेद की ईशावास्य उपनिषद है। इस ईशावास्य उपनिषद में भगवान का जैसा स्वरूप निरूपण किया गया है उस पर विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह इस उपनिषद का शांति मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद की जितनी उपनिषदें हैं सभी उपनिषदों का शांति मंत्र यही है। इस शांति मंत्र का अर्थ सुन लो। नाम भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है और ओंकार का प्रयोजन भगवान को बताना ही है। भगवान से ही सृष्टि के आदि में पहले पहले प्रकट हुआ है।
और भगवान के बताने के लिए ही प्रकट हुआ, क्योंकि जितने भी नाम होते हैं वो जिनका नाम होता है उनके बताने के लिए ही होते हैं। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परत पहचाने, देखी रूप नामयाधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना रूपों का ज्ञान नहीं होता है, और नाम रूप में चराचर जगत है। संसार भर में दो ही चीज है, नाम और रूप, और तीसरा कुछ नहीं है। इस नाम रूप को जगत कहते हैं। तो रूप की पहचान नाम से ही होती है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, इनका नाम लेने से इनकी पहचान होती है। और यदि नाम न जाने तो रूपों की पहचान न होवे। ये जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी गाय भैंस बकरी सिंह व्याघ्र, ये नाम हैं। नाम न हो किसी के तो किसी की पहचान कैसे हो? बिना नाम के रूप की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परत पहचाने। करतल कर माने हाथ का, तल माने हथेली। यदि हथेली में करोड़ों रुपया का कोई हीरा हो और उसका नाम न जानता हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसमें एक कथा है, कोई हीरा मार्ग में पड़ा था तो रास्ते से जो आते जाते थे यात्री पथिक लोग, उनकी पैरों की ठोकरों से इधर उधर लुढ़कता रहता था। कुछ लड़के निकले तो हाकी डंडा से उसको मार के इधर उधर लुढ़का दिए। एक सब्जी बेचने वाला कुंजड़ा निकला, उसने देखा ये चमकीला पत्थर है, ऐसा समझ के उसको उठा लिया और उसको सब्जी बेचने का बटखरा बना लिया, तौल बना लिया। पाव भर का या आधा किलो का जितना वजन था उसका, उतने वजन का वो तौल बना लिया। साग भाजी उससे बेचता था, और घर में आकर के उसी से नमक मिर्च मसाला भी पीस लिया करता था। सिल में बट्टा बना लिया उसका, कभी चटनी पीस लेता था। बहुत गरीब था, सब्जी बेचने वाला कुजड़ा था। एक दिन और वो बकरी पाले हुए था, एक दिन मन में आई तो अपने बकरे के गले में उसको बांध दिया। देखकर बड़ा खुश हुआ, मेरा बकरा अच्छा लगता है। अब वन में बकरी चराने गया तो उसी वन से कोई जौहरी निकला। उस जौहरी ने देखा ये बकरे के गले में बहुमूल्य हीरा बंधा हुआ है जिसकी करोड़ों रुपया कीमत है, तो जिसका ये बकरा होगा वो कितना धनी आदमी होगा।
जो करोड़ों रुपया की कीमत की हीरा अपने बकरे के गले में बांध रखा है। उसने आवाज लगाई, भाई ये बकरे किसके हैं, बकरियां किसकी हैं? तो एक पेड़ की छाया में वो कुंजड़ा बैठा हुआ था। उसने कहा, भाई क्या बात है, मेरी हैं बकरियां। जौहरी ने देखा कि ये तो कुंजड़ा है, बहुत गरीब मालूम पड़ता है। उसने पहचान लिया इस आदमी को कि ये जानता नहीं इस हीरे को, इसीलिए बकरे के गले में बांध रखा है। उसने कहा, कुंजड़े से क्यों भाई, ये जो बकरे के गले में ये पत्थर बांध रखे हो, इसको बेचोगे? उसने सोचा, क्या ये भी कोई बिक्री की चीज है, इसकी भी कुछ कीमत हो सकती है। तो उसने कहा, हाँ बेचेंगे। बोले, मूल्य बताओ, क्या मूल्य लोगे? अब ये तो जानता नहीं था उसका मूल्य कुछ भी। कुंजड़े ने कहा, आप ही बताइए क्या मूल्य दोगे। जौहरी ने कहा, 8 आने पैसे दूं? कुंजड़े ने कहा, कुछ और कीमत बढ़ाओ। कहा, 1 रुपया दूं? कुंजड़ा खुश हो गया, सोचा ये मुफ्त में अपने यहां पड़ा है, रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, 1 रुपया कीमत मिल रही है, तो 1 रुपया का नमक लाऊंगा तो साल भर खाऊंगा, काम में आएगा, ये तो कोई काम में आता नहीं है। उसने कहा, हाँ 1 रुपया में बेच दूंगा। तो जौहरी ने 1 रुपया उसके हाथ में दे दिया। कुंजड़े ने बकरे के गले से खोल करके जौहरी के हाथ में वो हीरा दे दिया। पर जौहरी के हाथ में आते ही वो हीरा 100 टुकड़े होकर के बिखर गया, चारों तरफ छिटक गया, हाथ में कुछ न बचा। जौहरी ने हीरे से पूछा, क्यों भाई हीरे, ये तो बता, तू बकरे के गले में बंधा था, तेरा कितना अनादर था, कोई आदर नहीं था, कोई कीमत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, तब तेरा हृदय नहीं फटा, और मैंने तो कुछ कीमत लगाई, तेरा आदर किया, तो मेरे हाथ में आते ही तो 100 टुकड़े होकर के बिखर गया। तो हीरे के कण कण से आवाज आई। क्या आवाज आई? कहा, तुमने तो मेरा इतना ही अनादर देखा है कि बकरे के गले में बंधा, परंतु इसके पहले का मेरा अनादर तुम नहीं जानते हो, कितना मेरा कहां कहां अनादर हुआ है। सो अपने पहले की बात, पहरा का जीवन चरित्र बताता है वो हीरा। पादा हतेन लघुटेन विघटनेन भूयो जरच्छगल रुक्ष गला विने बिलेन तावन्न दूनमपि रात्निकरिन् मदीयम् मूल्यम् यदूनमभितः
शतुधा विदीर्णम। कहा मैं रास्ते में पड़ा था, जो लोग निकलते थे वो मेरे को पैरों की ठोकर मार के निकल जाते थे, तो लोगों की पैरों की ठोकर सहा और फिर कोई लड़के निकलते थे, कोई हाकी से डंडा से मुझको मारते थे जैसे गेंद मारा जाता है, तो लाठी डंडे की हाकी की चोटें भी सही। फिर ये कुंजड़ा चमकीला पत्थर समझ के उठा ले आया, सो नमक मिर्च मसाला पीसता था और रोटी से खाता था, कभी चटनी पीस लेता था, कभी बटखरा बना लेता था, साग भाजी मुझसे तौलता था। मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कितनी जगह। फिर इसके मन में एक दिन आई तो अपने बकरे के गले में बांध दिया, परंतु ना तो वो रास्ते चलने वाले मुझको पहचानते थे, मेरा नाम जानते थे, और ना वो लड़के जानते थे, और ना ये कुंजड़ा ही मेरा नाम जानता था कि ये हीरा है। मेरी पहचान नहीं थी और नहीं ये बकरा कुछ जानता है कि मेरे गले में इतनी चीज कीमती चीज पड़ी। तो ये मुझको जानते नहीं थे, तो जो जानता न हो उसका अनादर करना दुख नहीं देता है। जानकार पुरुष यदि अनादर करे तब दुख हुआ करता है, जैसे कोई मदिरा पी करके बुद्धि खराब कर ले, किसी भले आदमी को गाली बकने लगे तो भले आदमी बुरा नहीं मानते, जानते हैं नशे में है, बुद्धि ठीक नहीं है, अब मेरे को पहचाना नहीं इसमें, इसलिए लोग उसकी बात सुनते नहीं, हंस करके टाल देते हैं। जानकार आदमी यदि गाली दे हुए अपमान करे तो दुख होता है। तो ये कोई मुझको जानते नहीं थे, इसलिए इनके अनादर का मुझको कोई दुख नहीं हुआ। परंतु हे जौहरी, तुम तो जानते हो, तुम जान बूझ करके, तुम्हारे मन में क्या मेरी इतनी ही कीमत थी? सच बताओ। तो उसने कहा नहीं, तो तुमने मन में जितनी कीमत अपने मन में जाना था, क्या वो कीमत तुमने दिया इस कुंजड़े को? इतनी तुच्छ कीमत, एक रुपया? और तुम मेरे जानकार हो, तो जानकार कोई अनादर करे तो बहुत दुख होता है। मूल्यम यदूनम अभितश्यत तथा विदीर्णम, जो तुमने मेरा मूल इतना कम किया इसलिए मेरा हृदय इस दुख को सहन न कर सका। सतधा विदीर्णम, सौ टुकड़े होकर के विदीर्ण हो गया। तो सज्जनों, हाथ में भी यदि बहुमूल्य चीज हो और नाम न जानता हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो बिना नाम जाने किसी की कोई कीमत नहीं, नाम के द्वारा ही पहचान होती। ये हीरा है, बस इतना नाम जानने से ही वो कीमती हो गया। अरे हीरा है, ये नाम न जाने तो कोई कीमत नहीं है। सज्जनों, इसी प्रकार से
जितने भी संसार में रूप हैं, वो नाम से ही पहचाने जाते हैं, क्या जड़ क्या चेतन, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र भाला बर्छी तीर तलवार, नाम है ना, तो नाम लेते ही पहचान हो जाती है। लोटा थाली गिलास, नाम लेते ही लोटा कहो तो लोटे का ज्ञान हो जाता है, गिलास कहो तो और चीजों का ज्ञान नहीं होगा, गिलास का ही ज्ञान होगा, थाली कहने से थाली का ही ज्ञान होगा, तवा चिमटा कहने से तवा चिमटा का ही ज्ञान होगा, माने नाम से ही उन वस्तुओं का ज्ञान होता है। रेल मोटर हवाई जहाज ये नाम है, इनसे उन रेल मोटर हवाई जहाज का ज्ञान होता है। एक एक मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, पर उनके सबके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, और यदि नाम न रखे जाएं तो बाजार से कौन सा पुर्जा मंगाया जाए कि खराब हो गया है, भाई बाजार से ये पुर्जा ले आना, नाम न मालूम हो तो बिना नाम जाने कोई चीज मिल नहीं सकती। तो सज्जनों, संसार की सब वस्तुओं का ज्ञान नाम से ही होता है, ऐसे ही भगवान का भी ज्ञान भगवान के नाम से होता है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। भगवान के दो प्रकार के स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, और उन दोनों प्रकार के भगवान के स्वरूप का ज्ञान भगवान के नाम से ही होता है। निर्गुण निराकार के भी नाम है और सगुण साकार के भी अनेक नाम। नाम बिना भगवान का भी ज्ञान नहीं होता उभय रूप का, इसलिए जो ये ओंकार है ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसके द्वारा भगवान का ज्ञान होता है। अथर्व वेद की मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के द्वारा ही भगवान का स्वरूप बताया गया है, सगुण साकार भी निर्गुण निराकार भी। तो ओम मंगलमय भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेने से मंगल होता है, अमंगल दूर होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जिसका ओम यह नाम है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ओम कहने से सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानना, ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, और ओम कहने से सगुण साकार रूप भी जानना, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि, ये भगवान के सगुण साकार रूप है। तो ओम ये दोनों रूपों को बताता है, सगुण साकार को भी निर्गुण निराकार को भी। तो पूर्णमदः, वह जो ब्रह्म है वह पूर्ण है। पूर्ण है माने सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण है। अदः माने वह, पूर्णम अदः, वह ब्रह्म पूर्ण है, सच्चिदानंद से पूर्ण है। पूर्णम इदम, और उसी पूर्ण ब्रह्म से सच्चिदानंद घन भगवान से ये जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिए जगत के कण कण में वही पूर्ण सच्चिदानंद भगवान ही व्याप रहा है, अस्थि भाति प्रिय रूप से समाया हुआ है,
इसलिए ये जगत भी सच्चिदानंद अपने कारण से पूर्ण है। जैसे माटी से घटमट होते हैं तो सारे संसार के घटमट माटी से पूर्ण होते हैं। माटी समाई रहती है सब में, माटी से अलग नहीं हो सकते कोई घटमट, माटी रूप ही होते हैं। ऐसे ही भगवान जगत का कारण है, जगत कार्य है, तो अपने कारण भगवान से ये जगत कार्य पूर्ण है, भगवान इसमें समाया हुआ है। इसलिए पूर्णम इदम, इदम माने यह जो दिखाई पड़ने वाला जगत, और अदह माने वह जो दिखाई नहीं पड़ता है किंतु देखता है, जो देखता है वो दिखाई नहीं पड़ता। अदृष्टो दृष्टा, जो दृष्टा है वो अदृष्ट ही रहता है। तो इदम से यह जो दिखाई पड़ता है जगत, और अदह से वह जो इसको देखता है और जिससे ये उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है, फिर लीन हो जाता है उसी में, उसको अदह कहते हैं, माने वह कहते हैं। तो पूर्णम अदह और पूर्णम इदम, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण जगत निकला हुआ है और फिर उसी में लीन हो जाता है, फिर पूर्ण ब्रह्म ही रह जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस कार्य रूप जगत का पूर्णत्व माने सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय ले लिया जाए तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। जैसे घटमट से माटी निकाल ली जाए तो माटी ही शेष रहेगी, मुकुट कुंडल कंठा से सुवर्ण निकाल लिया जाए तो अंत में सोना ही शेष रहेगा। सोना से मुकुट कुंडल कंठा आभूषण उत्पन्न होते हैं और सुवर्ण सब में समाया रहता है मुकुट कुंडल कंठा के कण कण में, और फिर अपने में लीन कर लेता है, सुवर्ण सत्य शेष रह जाता है। ऐसे ही उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ये आभूषण रूप जगत उत्पन्न होता है और भगवान में ही रहता है, पुनः भगवान में लीन हो जाता है। तो पूर्णम एव अवशिष्यते, फिर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। वो सत्य है, ब्रह्म की उत्पत्ति होती नहीं, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, इसीलिए जगत अपने कारण ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये इस शांति मंत्र का अर्थ है। दूसरी श्रुति यही कहती है, यतो आयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविषम विषंति तद ब्रह्मो। जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, पुनः जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। ये श्रुति भी यही कहती है। ओम शांति शांति शांति, ये तीन बार शांति मंत्र के अंत में पढ़ा गया है। इनका अर्थ होता है देहिक दैविक और भौतिक तीन तापों की शांति हो। तीन प्रकार के ताप है माने दुख है, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो द
देहिक ताप कौन से हैं, जो इस शरीर में रोग बीमारी हो जाती है, उन रोग बीमारी से जो दुख होता है वो देहिक ताप है। और दूसरा सूक्ष्म देह भी है, भूख प्यास से जो दुख होता है, सर्दी गर्मी से जो दुख होता है, काम क्रोध लोभ मोह से जो दुख होते हैं वो मानसिक दुख, भूख प्यास प्राणों का दुख। तो ये सूक्ष्म शरीर के दुख हैं, ये भी देहिक ताप है, देह संबंधी ताप माने दुख है, सूक्ष्म शरीर के और स्थूल शरीर के दुख देहिक दुख कहलाते हैं। दैविक दुख जो देवताओं के द्वारा दुख मिले उसको दैविक दुख कहते हैं। जैसे देवता लोग कभी बहुत वृष्टि कर देते हैं, अति वृष्टि, तो गांव के गांव डूब जाते हैं, और कभी अनावृष्टि कर देते हैं, वर्षा ही नहीं करते, तो सब खेती सूख जाती है, तो लोग भूखे मरते, बहुत वर्षा कर दिए तो खेती सड़ गई, और बिल्कुल वर्षा न किए तो खेती सूख गई। अब बिना अन्न के तो कोई जी नहीं सकता है, ये देवता संबंधी दुख हैं। और कभी भूकंप आ जाता है, पृथ्वी फट जाती है, गांव के गांव उसमें समझ जाते, उलट पलट हो जाते, ये भी दैविक दुख है। और कभी विद्युत पात करते हैं, बिजली गिर जाती है, उससे लोग मर जाते हैं। इस प्रकार से देवताओं के द्वारा जो दुख होता है उसको दैविक दुख कहते हैं। भौतिक दुख, चोर बदमाश डाकुओं से जो दुख होता है, सिंह व्याघ्र और सर्पों से दुख होता है, सांप बिच्छू से जो दुख होता है, ये काट ले में चोर बदमाश आकर के लूट मार मच मार काट मचावे, तो ये भूत प्राणियों से जो दुख होता है वो भौतिक दुख कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के दुख हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर ये तीनों प्रकार के तापों की शांति करे, प्रजा सुखी रहे। ओम शांति शांति शांति। ये इस शांति मंत्र शांति पाठ का अर्थ होता है। अब इसके बाद में उपनिषद प्रारंभ होता है, तो इसको कल प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।